आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो माइकोराइजा है आर एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो माइकोराइजा जो अपना एसोसिएशन होता है किसके बीच में होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। तो माइकोराइजा अपना एसोसिएशन होता है बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। तो जो अपने हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के बीच में, ठीक है, और किसके बीच में, फंगाई के बीच में, ओके। तो अब ये एसोसिएशन इन दोनों के बीच में है, तो अब इसका कुछ फंक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो प्लांट होता है वो क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस, हमें पता है। तो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट फंगाई को प्रोवाइड करता है अपना फूड, ठीक है, और साथ ही साथ क्या, शेल्टर, ओके। तो इन टर्न फंगाई जो होता है अपना, ये प्लांट को प्रोवाइड करता है, या कह सकते हैं प्लांट के लिए अब्सॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ए और बी अगर हमारे दो ऑर्गेनिजम्स हैं तो इस केस में दोनों ही बेनिफिट हो रहे हैं। अब हमसे पूछा है कि ये एग्जाम्पल है किस रिलेशनशिप का, ऑप्शन उनमें दे रखा है फंगिस्टेसिस। अब देखो, फंगिस्टेसिस जो होता है ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, या कह सकते हैं कोई एसोसिएशन नहीं है। ये वो कंडीशन होती है जब फंगस के स्पोर्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हेन फंगस स्पोर्स, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू जर्मिनेट, ये जर्मिनेट नहीं कर पाते कब, इवन इन फेवरेबल कंडीशंस। तो फेवरेबल कंडीशंस में भी जब फंगस के स्पोर सॉइल में अपने जर्मिनेट नहीं कर पाते तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फंगिस्टेसिस। ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट, ठीक है। अब दे रखा है हमें यहाँ पे एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, जैसे कि मान लो दो ऑर्गेनिजम्स हैं ए और बी, तो इस केस में एक तो हार्म होता है, दूसरे वाले को ना ही बेनिफिट होता है ना ही हार्म होता है। और हमने क्या किया कि यहाँ पे देखा हमने कि दोनों ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअली बेनिफिट हो रहे हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम एंटीबायोसिस पे। अब देखो, एंटीबायोसिस अपना ऑलमोस्ट रिलेटेड है टू एमेंसिलिज्म, ठीक है। एमेंसिलिज्म बस में इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एमेंसिलिज्म दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है, ठीक है, और एंटीबायोसिस में क्या होते हैं मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, दो तो जरूर बेनिफिट होते हैं, ठीक है, और एक को क्या होता है, एक एडवर्सली इफेक्टेड होता है। अब ये एडवर्सली इफेक्टेड कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने बी को करा, यहाँ पे हो सकता है सी भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। लास्ट बचा है अपना म्यूचुअलिज्म, और यहाँ पे अपना म्यूचुअलिज्म ही क्या है करेक्ट आंसर। तो जैसे कि हमें पता है म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ए और बी, और दोनों ही इक्वली इफेक्टेड होते हैं, यानी कि ये कंडीशन अपनी हमारी जो ऑब्टेंड कंडीशन थी उससे मैच कर रही है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।